लास्ट वीडियो में हमने देखा था परफेक्ट पूरन और परफेक्ट पूरन पोली कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको पूरन पोली के साथ सर्व की जाने वाली आमटी, जिसे कटाची आमटी भी बोलते हैं, इसकी रेसिपी दिखाने वाली हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं माया आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माया के ब्लॉग्स में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि जो भी मैं रेसिपी शेयर करूँ आप तक सबसे पहले वो पहुंचे। और हाँ, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स तक चैनल को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए हमें लगेगा सूखा नारियल, एक प्याज, थोड़ा सा लहसुन, अदरक, करी पत्ता और धनिया। इसके बाद 4 चम्मच तेल लिया है मैंने, थोड़ी हल्दी, राई, जीरा, स्वादानुसार नमक। यहाँ पे मैंने मिक्स मसाला लिया हुआ है, आप आपके घर पे जो मसाला हो यूज कर सकते हो, और थोड़ा सा गरम मसाला। यहाँ पे मैंने गैस चालू करके गैस पे कढ़ाई रख दी है और नारियल को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से रोस्ट कर लेना है। जब तक नारियल ऐसे गोल्डन ब्राउन ना दिखे तब तक आपको इसको रोस्ट करना है। चलिए, नारियल अपना गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके बाद सेम पैन में हमें थोड़ा सा तेल डालना है और जो प्याज हमने कट करके लिया था उस प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक हमें रोस्ट करके लेना है। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें प्याज को रोस्ट करके लेना है। जब तक प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन ना दिखे तब तक आपको प्याज को भुनना है। देखिए, अभी हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिक्सी में डालकर इसकी हमने एक फाइन पेस्ट बना ली है। सेम पैन में बचा हुआ तेल डाल लेंगे और उसमें राई डाल के राई को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम जीरा, जीरा भी तेल में अच्छे से फूलना चाहिए। और इसके बाद डालेंगे करी पत्ता, जो राई, जीरा और करी पत्ता की फोड़नी है ना, आमटी में बहुत अच्छा स्वाद देती है। अगर आपके पास करी पत्ता ना हो तो आप उसको ना डालो तो भी चलेगा। अभी जो हमने फाइन पेस्ट करके लिया था मसाले का, वो हम तेल में डाल के अच्छे से इसको चलाएंगे जब तक कि मसाला अच्छे से पके ना। इस सारी प्रोसेस में 4 से 5 मिनट जाते हैं। स्लो टू मीडियम आंच पे ही आपको मसाला अच्छे से भून लेना है। गैस की फ्लेम तेज ना करें, नहीं तो मसाला जो है वो जल जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच मिक्स मसाला डाल दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग, आपको अगर तीखा चाहिए तो आप ज़्यादा मसाला डालें और कम तीखा चाहिए तो कम मसाला डालें। और थोड़ा सा गरम मसाला यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब इस मसाले को फिर से हमें 4 से 5 मिनट तक स्लो आंच पे अच्छे से भून लेना है। आपको अगर ऐसे ही अलग अलग रेसिपीज देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आप तक वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए, देखिए अपना मसाला परफेक्ट हो गया है। अब इस स्टेप में हम डालेंगे इसमें दाल का पानी, जो हमने दाल का पानी निकाल के रखा था आमटी के लिए, वही पानी हम इसमें डालेंगे। देखिए, आपको कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको थीक आमटी चाहिए या आमटी थोड़ी पतली चाहिए, उस हिसाब से आप पानी की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम स्वादानुसार नमक और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है क्योंकि मुझे आमटी थोड़ी गाढ़ी लग रही थी, क्योंकि आमटी जो होती है ना थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है। आप अपने अकॉर्डिंग आमटी गाढ़ी या पतली कर सकते हो। अब आमटी को हमें 10 मिनट तक गैस पे स्लो टू मीडियम आंच पे रखना है, ताकि आमटी अच्छे से पके, उसमें मसालों का फ्लेवर अच्छे से उतरे। चलिए, तो अभी इस स्टेज पे हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया। धनिया डाल के हम आमटी को 5 मिनट तक ढक के रख देंगे, ताकि धनिया का जो फ्लेवर है वो आमटी में अच्छे से उतरे।
गरम गरम आमटी आप एज अ सूप भी पी सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए अपनी आमटी रेडी है सर्व करने के लिए। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। टिल देन बाय, कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी।